जनरल। और आज की वीडियो जो है वो मैं वारंटी क्लेम के ऊपर बनाने वाला हूँ, जैसे कि सिमटेक का हैजर्ड फ्लैशर जो कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही अपने पल्सर 220 में इंस्टॉल किया था। सो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि उसको अगर उसको कुछ हो गया तो उसको वारंटी क्लेम कैसा करना है। सो आज की वीडियो में उसके ऊपर बनाने वाला हूँ। तो जैसा कि गाइस देख सकते हो, ये पैकिंग आज आया है, मैंने इसको खोला है और ये है सिमटेक का हैजर्ड फ्लैशर। इसको कैसे वारंटी में क्लेम करना है इसके ऊपर मैं आप लोगों को यही बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसको अभी तक मैंने खोला नहीं है, अभी आप लोगों के सामने मैं खोलने वाला हूँ इसको। सो आइए दिखा दो मैं इसमें क्या क्या है। तो जो ये है वो अपना हैजर्ड फ्लैशर है, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि प्लग इन प्ले वाला ही है पूरा खेल जो भी है। और इसको ये है इसका स्विच। सो गाइस जैसे कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो इसको वारंटी क्लेम कैसे करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स पे यहाँ पे नंबर दिया होता है, जैसे कि ये आप नंबर देख सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है इनका, इनको व्हाट्सएप करना है। और उसके बाद में जो कि व्हाट्सएप करने के बाद उनका जो रिप्लाई आता है वो आता है कि गाड़ी का जो अपना मतलब क्या प्रॉब्लम दे रहा है, जैसे कि मेरा एक साइड का लाइट बंद हो गया था, सो मैंने उसको 360 वीडियो बना के उनको सेंड किया था। और दूसरा ये है कि उसको उनको ये अपना वारंटी कार्ड भेजना पड़ता है, मतलब उसका एक पिक निकल के, सो उन लोग क्लेम करता है, वहाँ से उन लोग देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या फॉल्ट है, और उसके बाद वो नया एक हैजर्ड फ्लैशर आप लोगों को रिप्लेस करके भेजेंगे उसके जगह पे। सो गाइस मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि अभी ये अपना व्हाट्सएप पे कैसे उनसे मतलब कैसे भेजना है उसका एक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे भेजना है। सो ये अभी मेरे बाइक का जो मैंने अभी की चालू किया और ये आप लोग लाइट देख सकते हो ब्लिंक करके रखा, नहीं तो वैसे ये ब्लिंक होता रहता है। एंड इसके बाद ये वाला जो मतलब राइट साइड वाला है वो ब्लिंक हो रहा है और लेफ्ट साइड वाला जो है लाइट वो अपना पूरा स्टेबल ही है, मतलब एक जलते ही रह रहा है, वो कुछ मतलब उसमें एक्टिविटी हो ही नहीं रही है। और वैसे ही जैसे कि आप लोग आगे वाले देखिए वैसे ही पीछे वाला भी है, देखिए पीछे वाला भी राइट साइड में ही ब्लिंक हो रहा है और लेफ्ट साइड का बंद है। सो अभी ये वीडियो हम लोग उनको भेजेंगे और उनसे व्हाट्सएप पे कैसे भेजना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। सो ये व्हाट्सएप पे मैंने अभी उनको मैसेज किया एंड हैजर्ड नॉट वर्किंग करके मैसेज किया, तो उनका रिप्लाई जो आता है उसके बाद वो लोग मतलब वारंटी कार्ड मांगते हैं, वारंटी कार्ड और 360 वीडियो मैंने भेज दिया इस वीडियो में। जैसे कि अभी जो मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिखाया वही वाला वीडियो मैंने उनको भेजा था। एंड उसके बाद उन लोग का मतलब जो रिप्लाई आता है वो बोलते हैं योर कंप्लेन मतलब कंप्लेन ले लेते हैं और फिर उसका आईडी नंबर मिलता है आपको, एंड देन उसके बाद आप लोगों का जो पार्सल है वो कुरियर करने के लिए बोलते हैं। और कुरियर करने के लिए जैसे कि मतलब आपका जो हैजर्ड फ्लैशर है वो उनको कुरियर करना पड़ता है, जैसे कि उन्होंने अभी आप लोगों को एड्रेस भेजा, वहाँ पे एड्रेस भेजने के बाद उनका एक लिंक रहता है, ट्रैकिंग आईडी भी भेज देते हैं, जैसे ही आपका ऑर्डर मतलब आ जाएगा वैसे ट्रैकिंग आईडी दिखाया कि इसको कैसे रिप्लेस करना है। जैसे कि व्हाट्सएप पे मैंने उनसे बात किया था एंड देन मैंने गाड़ी का जो फोटो है मतलब वीडियो है वो निकाल के उनको भेजा था। सो इसको पहली बात तो ये है कि जो आप लोगों का खराब जो हो गया हैजर्ड फ्लैशर उसको कुरियर करना पड़ता है कंपनी में उन लोग के एड्रेस पे, जैसे कि जो वो एड्रेस देंगे वहाँ पे एड्रेस पे कुरियर करना पड़ता है। एंड देन उसके बाद वो चेक करेंगे कि मतलब डिवाइस में क्या फॉल्ट है क्या नहीं है, वो चेक करने के बाद वो लोग विद इन मतलब वन डे रिटर्न रहता है वो, कि तुरंत उसी दिन देख के उसी दिन आप लोगों को कुरियर कर देंगे। तो इसमें टोटल जो है वो आपका टाइम है जो एक पकड़ लो 10 से 11 दिन का टाइम जाता है, जैसे कि आज अगर आप लोगों ने भेजा कुरियर से तो उसके 10 दिन के अंदर ही आप लोगों का पार्सल आप लोगों के पास आ जाएगा और आप लोग लगा दोगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने भेजा था तभी 7 तारीख को भेजा था और 17 तारीख को आ गया था हम लोगों का जो पार्सल है वो 17 तारीख तक आ गया था, मतलब अभी हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे बाइक में। अगर आप लोगों को हैजर्ड फ्लैशर का वारंटी क्लेम करना है तो इसी प्रकार से करना है जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। सो गाइस वीडियो यहीं तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज़।